नमस्कार। सबसे पहले आप लोगों को आज जो फिल्म है हेलो वो स्वर्ग है, स्वर्ग करके टाइटल है, भोजपुरी फिल्म है। नवाब हेलो। साहब डायरेक्टर हैं, शाद जी और राम प्रजापति प्रोड्यूसर हैं। उठ के गए उधर लाल जी भाई, वहीं राइटर भी हैं। अच्छी फिल्म है, अच्छा सब्जेक्ट है, अलग मुद्दा है, काफ़ी पारिवारिक है। एक लड़की के ड्रीम, उसके सपने में क्या कैसे कैसे क्या चीज़ होते हैं, वो सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट है। मेरा जो कैरेक्टर है वो भी काफ़ी अपने आप में एक अलग ही है, जो मैं कर रहा हूँ कि एक बंदा बंदा एक कॉलेज गोइंग लड़का कैसे, जब उसको उसकी मोहब्बत नहीं मिलती है तो किस डिप्रेशन में चला जाता है। हल्का सा टच बात उदास वाला, काफ़ी मज़ा आता करके, अच्छा कैरेक्टर है। बात की जैसे आपको लुक की बात करें या फिल्म का नाम कहिए तो बार बार कहीं ना कहीं स्वर्ग और स्वर्ग के हीरो की याद आती है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना आपने उससे अलग करने को सीखी, क्योंकि जब नाम आता है तो कहीं ना कहीं हाँ हीरो की देखा, छवि। ये हम क्या बोली तो भोजपुरी के विडम्बना, बाकी लोग हिंदी फिल्म या हिंदी फिल्म के टाइटल से एक टाइटल मैच करता, पर कहानी कहीं भी वो चीज़ नहीं है। कहानी एकदम नया बा, एकदम नयापन बाय में कुछ वो सब चीज़ों के लेन देन नहीं के। और जे तो लुक की बात करते हो, हमें गोविंदा जी रह लें, राजेश खन्ना रह लें, वो कॉन्सेप्ट ही अलग रहे, ये कॉन्सेप्ट ही अलग बा, तो कुछ तालमेल ही नहीं के वो फिल्म से। हाँ टाइटल कहीं ना कहीं से मैच खाता है, जो कि अब पे हम कुछ नहीं बोल सकत, पर अच्छा टाइटल बा और बननी चाहिए। जितने रिमेक बनता रहे हिंदी में तो टाइटल पार्ट टू लगा के बनता रहे, तो ठीक बा, भोजपुरी में टाइटल चलता। बात करी जाए फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर का क्या चाहिए उनके बारे में। डायरेक्टर साहब नवाब साहब के बारे में तो मतलब पहला दिन तो एकदम कन्फ्यूज रहनी कि क्या शॉट लगाता रहे, हम क्या करें, टोटली जीरो रहनी, कुछ नहीं बुझाते रहे क्या चलता, बस मुंह में जावा रहे, डायलॉग हो जाकर बोल देते रहे। परसों से हम कुछ ट्रैक पे मानी उनका के बुझाया जाता कि उनका एक एक कटिंग जुड़े वाला बा, बस अपना एक्सप्रेशन अपना मूड से खेले के बा, उनका अपन शॉट लेता रहे, वो बोलता रहे हमारा एक्टर कैमरा है, हम एक्टिंग का कैमरा से करवा रहे, बट वो में हमने के अपन बेस्ट दे कोशिश करता नहीं लगन वाली। अब फिल्म रिलीज से पता चले कि ऑडियंस के क्या रिजल्ट आवा था उससे सब चीज़, बाकी शाह जी के टेकिंग हैट्स ऑफ, कोनो जवाब नहीं किया उनका। प्रोड्यूसर राम जी की पहली फिल्म हाँ भोजपुरी, क्या कहना चाहेंगे। प्रोड्यूसर राम जी की पहला फिल्म भोजपुरी बा, अच्छा बा और ढेर सारा विशेष बा उनका, और निमन लागल कि अपना पहले फिल्म में वो हमारा संगे काम करता रहे, हमारा कास्ट के लिए तो अच्छा अपॉर्चुनिटी बा हमरो ला, और उनकरो ला बड़ा लकी बाड़े कि उनका इतना अच्छा सब्जेक्ट पे काम करे के मौका मिला। लालजी भाई बड़ा अच्छा सब्जेक्ट लिखले बड़े अपना कलम से, अपना हाथ से, अपना दिमाग से, और लकी बड़े राम जी जो उनका ये सब्जेक्ट मिलल काम करे के, बिकॉज भोजपुरी में जेंगे या सब्जेक्ट फिल्म सब बनते से काफ़ी हट के ही बा, हर एक मसाला बा, और वो खर्चो अच्छा से करता रहे, फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन वैल्यू दिखाई देता, देख सकते हैं लोगों के पीछे गाना चलता तो फिल्म में वो खर्चा करते रहे, बड़ा दिल से फिल्म बना होता रहे उनका, ढेर सारी विशेष पूरा टीम के ढेर सारा शुभकामनाएं। जो ना आपके हीरोइन बने उनके बारे में कहते हैं कैसे ट्रेनिंग चलाते हैं। देखिए जी हीरोइन बनी हमारे प्रिया शर्मा जी, वो तो ऐसे ही बहुत सीनियर है, उनका के हम सेट पे सीनियर है, बुलाबियो करे नहीं, चिड़ जाली हो कि सीनियर क्यों कहते, बस सीनियर रही तो सीनियर रही। हमारे पहला फिल्म विजय पथ में जो हमारे पहला इंट्रोडक्शन सॉन्ग रहे उनकरे संग रहे, तो बस उनका सीखा था नहीं, सीख सीख के कुछ अगर ना बुझाला साथ जी के एंगल, तो हम उनके से पूछे नहीं कि सीनियर बताइए अब क्या करना है, तो काफ़ी कोऑपरेटिव है। और मामले में हम अपने आपके लकी मानता नहीं कि भोजपुरी के ये सब सीनियर लोगों के संगे काम करे के मौका मिलल, जैसे कि लास्ट हमारे हिंदी फिल्म में आखिर कब तक, उम्मीद प्रतिभा पांडे जी रही हमारे संगे, वो अपने आप में एक काफ़ी टैलेंटेड है। एक एक फिल्म में हमारा रिंकू घोष रही, तो ये लोग से काफ़ी कुछ सीखे के मिला था, तो बस प्रिया जी के इतना सारा एक्सपीरियंस बा, बस सोचा था नहीं कि जितने भी शूट बा कुछ उनका से कैमरा के एंगल कुछ एक्सप्रेशन कुछ चीज़ सीख ले जाओ। बात कर जैसे कि आप भोजपुरी और हिंदी दोनों फिल्मों में इस क्षेत्र में सक्रिय का क्या चाहें। बस हमारे प्रोड्यूसर लोग की दया है, बैठे हैं हमारे राइटर साहब जो भोजपुरी दे दिला देते हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स हैं जो हिंदी दे देते हैं। हिंदी अभी मेरी लास्ट जो रिलीज़ हुई थी वो PNJ फिल्म्स की थी, निशिकांत झा जी प्रोड्यूसर थे, आखिर कब तक, तो उसके लिए मैं थैंक्स करूँगा मिथिलेश अविनाश भैया का, जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने ही मुझे बुला के कास्ट किया था, तो मैं सरप्राइज था। और उसके पहले मेरी एक फिल्म का काफ़ी बड़े लेवल पर मुहूर्त हुआ था, जो हम लोग मार्च में जा रहे हैं शूट पे, लाइफ की ऐसी तैसी, आशीष महेश्वरी जी उसके प्रोड्यूसर हैं, श्रेया सिने विजन से बन रही है, तो किसी वजह से वो फिल्म एक मुहूर्त होने के बाद लास्ट ईयर दिसंबर में हुई थी, 1 साल आगे हो गई, वरना पहले वो फिल्म आती पर उस जिससे मेरी लॉन्चिंग हो रही थी, पर उसके पहले मेरी फिल्म आ गई हिंदी आखिर कब तक, तो बस सक्रिय हिंदी भी चल रहा है,
हमारे प्रोड्यूसर्स कुछ हैं जो हिंदी बनाना चाहते हैं, बाकी भोजपुरी तो मुझे करनी है, तो भोजपुरी मुझे चल रहा है, जारी है कारोबार। जहाँ से आते हैं कॉल्स अच्छे लगता है, प्रोजेक्ट कैरेक्टर अच्छा होता है, फिल्म में लगता है, तो बस जुड़ जाते हैं। अभी नया साल आने वाला है, काफ़ी दर्शक लोग की शुभकामनाएं। हाँ, पूरा जितना ही बुम्बई के बस सब दर्शकों के, जितना भी लोग यूट्यूब पे या जहाँ भी वॉच करता रहे, सब के ओके ढेर सारा शुभकामनाएं। नौ वर्ष के, नौ वर्ष मंगलमय हो, और अच्छे से पार्टी कीजिए लोग, ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हैप्पी न्यू ईयर। आपकी आने वाली फिल्म की बात करें तो कौन कौन सी होगी? आने वाली फिल्म की बात करी जाए तो अभी मार्च में रिलीज हुई अभिनव कर के आई रनी PPI फिल्म्स, पल्लवी प्रकाश इंटरनेशनल के बाड़े, मोहब्बत के सौगात, जेकर प्रोड्यूसर खुद पल्लवी प्रकाश जी बाड़े और डायरेक्टर बाड़े ब्रजभूषण जी। और फिल्म भी बड़ा मजेदार सब्जेक्ट बा, बड़ा अलग बा, पूरा पारिवारिक, पूरा फुल पारिवारिक बा वो। मतलब जो यूपी बिहार में जो चलेला की लड़की, चाहे जो वहाँ के लड़के सन बड़े सन घर के, आजकल सबके पढ़े निकला था, पढ़े लिखे लग लोग बाहर भेजा था, तो कैसे माँ बाप जबरदस्ती ओकरा सपना के चकनाचूर करे के चाहता रहे, जबरदस्ती शादी करा देता रहे, ओकरा बाद भी ओकर पति जो पहले लवर लग ओके नहीं सपोर्ट करता और एक मुकाम तक, एक वो तरक्की तक पहुँचावता, तो भी अपने आप में बहुत अच्छा सब्जेक्ट हुआ, मोहब्बत के सौगात। अब ब्रजभूषण जी बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं, जितने जिस तरीके से उन्होंने शूट किया और जैसे एडिटिंग किया, हैट्स ऑफ। ओकरा बाद अभी हम कल किया वाली प्रदीप भैया के फिल्म बा, प्रदीप सिंह जी प्रोड्यूसर वाले और फिरोज़ खान जी डायरेक्टर हुए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये भी बहुत अच्छा मुद्दा बा, एक अलग सब्जेक्ट पर। ये भी फिल्म करते हैं सब में अलग अलग सब्जेक्ट बा, अलग अलग कहानी, और रिपीट वाला चीज़ नहीं है। अब जो ये भोजपुरी फिल्म में चलेला इंडिया पाकिस्तान पे, वैसा नहीं है, पूरा मिलिट्री कैंप की कहानी है। काफ़ी अच्छा कैरेक्टर बा हमार, पाकिस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं, एक मुस्लिम जो कि आर्मी में हो, देश को किस तवज्जुब तक लेके जाता है, धर्म मजहब से बढ़ के हमारे लिए देश होता है, वो सारे चीज़ उसमें मेंशन है। उसके बाद मेरी एक ये फिल्म है स्वर्ग, उसके बाद अभी मैंने एक राजू जी मिथिला टॉकीज के बैनर से गेस्ट अपीयरेंस किया था उसमें लुटेरे में, वो भी काफ़ी मल्टी स्टार फिल्म है, तो बस चल रहा है कारवा। चलिए, थैंक यू आप लोग। मैं ये कहूँगी कि दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल मूवी, और हमारे शाह जी की मूवी है, एंड ही इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर एज यूजुअल, बहुत अच्छे डायरेक्टर है, बहुत अच्छे टेक्नीशियंस है, और इसमें राम जी प्रोड्यूसर हैं। सो बहुत ही अच्छी फिल्म है, आई होप कि जब बनेगी लोगों को पसंद आएगी। मूवी का नाम है स्वर्ग। आपका किरदार की बात की जाए तो मैं तो इसमें प्रिया जी है, उनकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो उन्हीं के साथ सीन से गाने हैं, तो जैसा आप देख रहे हैं कि गाने के शूट भी चल रहा है, तो बस। और फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में क्या कहना? डायरेक्टर सर तो आई एम ह्यूज फैन ऑफ शाद सर, और राम जी के साथ तो दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, बट या ही इज़ ऑल्सो वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्शन वगैरह एवरीथिंग। इस फिल्म में कल्लू जी हीरो हैं, आदित मोहन जी हीरो हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे के बारे में? जी वो लोग भी अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे नेचर हैं, मतलब या इट्स गुड। आपकी आने वाली फिल्मों की बात करें तो अभी कौन कौन? आने वाली फिल्म बाद में बताऊंगी। दर्शकों से क्या कहें, नया साल आ रहा है, क्या शुभकामना? सभी दर्शकों से, सारे व्यूअर से विश यू हैप्पी 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 न्यू ईयर। थैंक यू। आज स्वर्ग मूवी टाइटल है हमारी फिल्म का, और उसका हम लोग सॉन्ग शूट कर रहे हैं, इतने दिन से सीन्स चल रहे थे और आज गाने का शूट हो रहा है, और काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, लाइक मेरे करियर का लाइक बहुत ही, मतलब जो सॉन्ग मुझे प्ले करने के लिए चाहिए था ना, वो सॉन्ग है, वो लिपसिंग, वो लिरिक्स और उसका जो म्यूज़िक है बहुत ही अच्छा है, और करने में बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी फ्रेंड है जो किट्टी जी हैं, कानू जी के साथ करते थे, वो हैं, और बहुत इंजॉय कर रही हैं उनके साथ काम करने के लिए। कितना इंजॉय कर रहे हैं? जिससे आपका लुक भी एकदम पूरा टिपिकल गाँव वाला है, क्या कहना चाहिए, बहुत खूबसूरत लग रहा है। हाँ, सीन्स में बहुत हम लोगों ने लाइक जो इसमें मेरे सीन्स हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, लाइक वेस्टर्न में तो एकदम वेस्टर्न कॉस्ट्यूम्स हो जाते हैं, और जो इंडियन लुक है तो उसमें काफ़ी सिंपल लुक है मेरा, लाइक सिंदूर एंड इयर रिंग्स एंड ये वो, ज़्यादा ये नहीं, तो गाने में ज्वेलरी वगैरह सब पहनने के लिए मिला इस मूवी में, फर्स्ट टाइम इस मूवी में, तो बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है अपने आप को चेंज देख के। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे फिल्म के डायरेक्टर साथ सर हैं, और ही इज़ अ वेरी गुड टेक्नीशियन, ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, बहुत ही टेक्निकली स्ट्रांग हैं वो, कुछ चीज़ें जो हम लोग को समझ में नहीं आती हैं बट वो समझाते हैं, और उनकी जो टेक्निक है शूट करने की बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लाइक
मतलब मैं कह सकती हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है उनके साथ काम करके। और हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर हैं राम जी, और वो भी बहुत ही अच्छे फ्रेंडली इंसान हैं, कुछ भी उन्होंने प्रोड्यूसर वाली चीज़ नहीं है, काफ़ी फ्रेंडली हैं। लाइक कैसे फ्रेंड्स रहते हैं वैसे वो बिहेव करते हैं, वैसे उनका नेचर है, और भगवान करे ऐसे ही उनका नेचर रहे और अच्छी मूवीज़ बनाते रहे और हमेशा याद करते रहे हम लोगों को। बात की जाए एक और जो प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, उनका बहुत मेहनत कर रहे हैं राजेश पटेल जी, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, वो भी प्रोड्यूसर हैं। हाँ, राजेश जी को मैं इस मूवी में फर्स्ट टाइम मिली हूँ, तो वो नेचर के बहुत अच्छे हैं, नो डाउट ही इज़ आल्सो वेरी फ्रेंडली। तो फर्स्ट डे जब मैं उनसे मिली थोड़े से तो मुझे अकड़ों से लगे थे, लेकिन जब ऑन सेट फिर जब मैं आई तो उनका जो नेचर था लाइक बातचीत करना ये वो, फर्स्ट डे शायद वो थोड़े से डिस्टर्ब होंगे या उनको लगा होगा यार ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं खुद ही बहुत बड़बोलिया मशीन हूँ तो उनको लगा नहीं नहीं ठीक है इसके साथ इन्जॉय करना चाहिए बात करना चाहिए। तो काफी अच्छा लग रहा है, हमको काफी घुल मिल गए हैं अभी, तो अच्छा लग रहा है उनके साथ भी काम करके। मैं आपके जो हीरो हैं उसके बारे में, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हीरो आदित्य जी के साथ मैं फर्स्ट टाइम तो नहीं सेकंड टाइम कर रही हूँ, बट मूवी में एज अ हीरो मेरे साथ फर्स्ट टाइम है। मैंने उनकी एक मूवी की थी, उसमें मैंने एक सॉन्ग किया था खाली, एक आइटम नंबर किया था गेस्ट अपीयरेंस में, तो वो एक्सपीरियंस उतना था नहीं बिकॉज उतनी मेरी बातचीत भी नहीं हुई थी उनके साथ में। तो इस पिक्चर में वो मेरे ऑपोजिट और काफी अच्छा काम कर रहे हैं, सुना भी है उनके बारे में, सुना था कि लाइक अच्छे आर्टिस्ट हैं, गुड लुकिंग है, सब हैंडसम है, और नो डाउट अच्छा काम कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक टू हिम। आपकी आने वाली फिल्मों के बारे में बात की जाए तो आने वाली मेरी दिलवाले है और तो ही तो मेरी जान राधा पार्ट टू में मैंने गेस्ट अपीयरेंस में किया है, और तो बाकी मुझे याद नहीं है, लेकिन है दो चार और मूवीज़ हैं, और बलिया के दबंगई मेरी रिलीज़ हुई है मूवी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी चल रहा है उसका। उसके बाद दिस फिल्म देखो कब आती है। और बात करें नया साल अभी आ रहा है, उसके लिए क्या ब्लेसिंग देना चाहेंगे अपने ऑडियंस को? मैं सब ऑडियंस को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, और भगवान आप लोग को बहुत तरक्की दे 2017 में, एकदम ब्लेस्ड कर दे, जिनके भी जो जो अरमान है, जो जो सपने हैं, वो 2017 में ज़रूर पूरे हों। लव यू ऑल, थैंक यू।